चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड कलाकारों की अगर बात करें तो जहन में गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है। साहेब बीवी और गुलाम, प्यासा और चौधरी का चांद जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके गुरुदत्त का 9 जुलाई को जन्मदिन है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गुरुदत्त अपनी पॉपुलर फिल्म प्यासा को एक कोठे की कहानी पर बनाना चाहते थे, पर गुरु कभी कोठे पर नहीं गए थे, जिसकी वजह से कोई कहानी इन्हें नहीं सूझ रही थी। ऐसे में गुरुदत्त ने हिम्मत जुटाई और नोटों की एक गड्डी दबाए कोठे पर जाकर बैठ गए। इसके बाद उनकी ये फिल्म तो कोठे पर नहीं रही, लेकिन इसका एक गाना जरूर कोठे के सीन पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, पुर पेच गलियां ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों के झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। 1953 में गुरुदत्त की उस टाइम की पॉपुलर सिंगर गीता रॉय से लव मैरिज हो गई। पर 1957 में आई इनकी फिल्म प्यासा के सेट पर गुरुदत्त एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर फिदा हो गए। वहीदा से बढ़ती नजदीकियों के चलते पत्नी गीता से इनकी दूरियां बढ़ने लगी और एक दिन इन दोनों का डिवोर्स हो गया। प्यार और परिवार के बीच में घिरते हुए गुरुदत्त एक दिन अपनी जिंदगी से हार गए और 39 यानी कि 39 साल की उम्र में बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर इन्होंने सुसाइड कर ली। रिपोर्ट विदुषी गुप्ता, news track.com।